अर्श सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल द्वारा मानपुर के दुर्गा स्थान मंदिर परिसर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें वजन, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर अथवा ECG निःशुल्क किया गया तथा निःशुल्क दवा भी वितरण किया गया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर में अर्थ सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के विशिष्ट चिकित्सकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर शिविर में आए हुए लगभग 500 मरीजों का इलाज किया। अस्पताल के विशिष्ट चिकित्सक आशीष कुमार झा, न्यूरोसर्जन डॉक्टर गुंजन कुमार, अस्पताल के स्टाफ एवं मैनेजर ने योगदान दिया। इस मौके अर्श हॉस्पिटल के डॉक्टरों को पटवा समाज के अध्यक्ष द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर न्यूरो डॉक्टर ने बताया कि न्यूरो की शुरुआती लक्षणों को ध्यान में रख के इसका उपचार कराएंगे तो आपको आपकी परेशानी का हल जल्दी मिल जाएगा। इसलिए इसके लक्षण को नजरअंदाज न करें और किसी भी तरह की दवाई को लेने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें। सबसे अभी तो यहाँ नेक पेन और बैक पेन जो पहले से है, जिन्होंने कभी अटेंशन नहीं मिला तो यहाँ पर अभी शायद पास में हो गया, इसलिए काफ़ी लोग नेक पेन और बैक पेन बोल के आए थे और काफ़ी लोग हेडेक्स भी बोल के आए थे। बेसिकली हमारे ये कैंप करवाने का, हम यहाँ पे ज़्यादा दूर तो है नहीं, लगभग 7 किलोमीटर का हॉस्पिटल है, ये कैंप करवाने का मतलब ये है कि लोगों को पता चले कि ये सब चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। आज हमको भी पता चला कि कई लोग ये अभी जानते ही नहीं कि यहाँ पे, या किसी को MRI किसी ने बताया नहीं, कोई जानते ही नहीं कि यहाँ पे MRI हो सकता है, तो ऐसा तो दिक्कत की बात है ना। 7 किलोमीटर पे आपका सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है और आपको लोगों को पता ही नहीं है, तो इसलिए कैंप करवाने का मेन उद्देश्य ये था। बाकी अभी सारे लोग, मतलब जो भी है, दवाई भी हमने दिया हुआ है, अभी जिनको ज़्यादा तकलीफ रहेगा वो कभी भी आके हमसे मिल सकते हैं, अभी हमको पता है कि हाँ ऐसा हो सकता है। इसका देखिए कैसा होता है कि जो पहले का कल्चर और अभी का कल्चर में फ़र्क है, पहले मेहनत किया जाता था, अभी मोबाइल पे और कंप्यूटर पे सारा काम होता है, तो जो कि हमको भी है इनफैक्ट ये सब, मतलब ऐसा नहीं कि हमको भी है, हमको भी बैठ के ही काम करना होता है, तो कमर में दर्द हमारे लोगों की, तो अपना हेल्थ का खुद ही ख्याल रखना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। जरूरी है क्योंकि हमारा जो पहले का जमाना होता था, अभी के जमाने में जो काम का तरीका है वो बहुत फर्क है, अभी बैठ के काम करना ज्यादा पड़ता है, मेहनत करने वाले लोग कम, अभी जैसे कि जिनका जो मेहनत करते हैं उनको सर्वाइकल पेन बहुत कम होता है या फिर वो एक्सीडेंटल होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता उनको, बट जो झुक के काम करते हैं उसमें ज्यादा पाया जाता है। स्पाइन के केस में ना फिजियोथेरेपी सबसे पहला इलाज होता है, उसके बाद दवाई दिया जाता है, या सर्जरी बोलते हैं तो सर्जरी बहुत लास्ट में बोला जाता है। तो फिजियोथेरेपी अगर जो जिसका वही काम है, जो कंप्यूटर पर बैठने का काम है या बैठ के या टेबल पे जो काम करते हैं, उसके लिए नेक का फिजियोथेरेपी या बैक मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बोलते हैं, नेक मसल, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, तो वो सब करेंगे तो उसे पेन से रिलीफ सिग्निफिकेंट मिलता है, काफ़ी सारे लोग को और कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जो ऑब्जर्व किया मैक्सिमम जो यहाँ पे जिस तरह के लोग रहते हैं, जिनका मैक्सिमम पेशा बुनकर समाज के लोग हैं, बहुत सारे पेशेंट दो तरह की चीज़ें देखते हैं, एक तो अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, दूसरा जो उनका है कि लंग्स वाले प्रॉब्लम है, क्योंकि जब बुनकर का काम होता है तो हल्के कॉटन के छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते रहते हैं और उनसे उनको सर्दी खांसी कफ ये वाले प्रॉब्लम है। तो मैंने तो सबको यही सलाह दिया है, जो कि पेशा तो ऐसा है छोड़ नहीं सकते, हमेशा मास्क लगा कर काम करें और जब भी ऐसा तकलीफ हो तो इमिडिएटली मेडिकल कंसल्टेशन लें। तो ये दो तरह के पेशेंट काफ़ी प्रीडोमिनेंट हैं इस एरिया में, अगर मेडिकल साइड से बात करें तो, है ना। हाँ तकलीफ तो है, लेकिन जैसे अर्श हॉस्पिटल जो हमारा हॉस्पिटल है अभी, वहाँ आयुष्मान भारत के तहत सारा इलाज संभव है, तो लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर कार्ड आपके पास है आप अस्पताल आएँ और अपना काम फ्री में कराएँ, तो कहीं ना कहीं इससे उनको बेनिफिट तो होगा, तो इन लोगों को पता करने की ज़रूरत है और जागरूक करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली उन अगर वहाँ वो आएंगे तो लाभान्वित ज़रूर होंगे। सालों में क्या अचीव कर पाए हैं आप लोग? यहाँ पे जो दवा वितरण का काम जो हो रहा है वो पूरे समाज के अलावे सभी अन्य जातियों के लिए भी उपचार का माध्यम बनाया गया है, कोई भी परिवार का अछूता न रहे उसके लिए यहाँ व्यवस्था किया गया है, फ्री डॉक्टर, फ्री इलाज, कोई फीस नहीं, और आगे भी जो है हम लोग काफ़ी इसको बढ़ाने के हिसाब लगाए हुए हैं कि हर आदमी इसे लाभान्वित हो
आज यहाँ से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हम वो सब व्यवस्था चाह रहे हैं कि हर मरीज़ के लिए यहीं पे उपलब्ध हो जाए। यहाँ पे मानपुर ही नहीं पूरे गया जिला के लोग आना शुरू कर दिया है इलाज के लिए, और यहाँ पे जाति छोड़ के सर्व जाति को ही निःशुल्क जो इंतज़ाम होता है सभी के लिए एक समान का सुविधा दी जाती है, इलाज होती है, जांच निःशुल्क जांच होती है, सभी विभागों से डॉक्टर आती है। और आने वाले समय में नवनिर्मित अध्यक्ष महोदय श्री नवरत्न जी ने यह भी हम लोग को बैठक में कहा है, वार्तालाप हुआ है, आने वाला समय में पटना से डॉक्टर आएंगे जो गया जिला में जो कमियां हैं वो चीज़ का भी इलाज करने का प्रयास होगा। और हम लोग भी यहाँ अपने स्तर पर चयनित कर रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से प्राइवेट हॉस्पिटल में विशेष इलाज हो सके, इस पर भी हम लोग विशेष नज़र रखे हुए हैं। और दूसरा बात, एक और मंथन चलाया जा रहा है कि हम लोग अपने समाज में आने वाले समय में प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री के माध्यम से जो दवा वितरण किया जाता है कम पैसा में, उसका भी हम लोग इंतजाम करें, जिससे हम लोग तो संडे कैंप लगाते हैं लेकिन लोगों को सुविधा रोज का चाहिए। अगर वो हम लोग का एक दुकान मिल जाता है सरकार के माध्यम से तो कंटिन्यू पूरे मानपुर सेक्टर के लिए एक फायदेमंद होगा।